वेलकम बैक। आज हम लोग जो है वी विल बी डूइंग द रिविजन ऑफ टू चैप्टर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक मैंने लिया है फ्रॉम द सेकेंड बुक, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एंड दूसरा मैंने लिया है फर्स्ट बुक से, दैट इज सिक्योरिटीज इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, दोनों चैप्टर्स को आज हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। नाउ लास्ट क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर को किया था, विच सेड दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया फेस थ्री मेजर चैलेंजेस, और उसके अंदर एक था टू शेप अप द नेशन, टू अडैप्ट डेमोक्रेसी, हमारा ये वाला चैलेंज था। तो हाउ डेमोक्रेसी जो है इट वॉज अडैप्टेड, एंड एट दैट टाइम ये हम लोग 10 से पढ़ रहे हैं, दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इट वॉज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी एट दैट टाइम। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, आज के आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से उसको बिल्कुल भी यू विल नॉट बी इवन थिंकिंग अबाउट इट। अब जो है इट इज ओनली अ पार्ट, अ फैक्शन। एट दैट टाइम इट वॉज एन अम्ब्रेला पार्टी, एंड दैट इज वाई इट वॉज सेड टू बी अ कांग्रेस सिस्टम, वन पार्टी डोमिनेंस, ऐसा बोला जाता। बिकॉज इन 1930 इटसेल्फ इट वॉज डिसाइडेड दैट वेन एवर इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस वी विल बी अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी, एंड ऑफकोर्स विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। वो उनके लिए दैट वॉज द बेस्ट वे टू डील विद द सिचुएशंस, दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना 20 मतलब कि इन 1946, बट एंड देन इट हैड मेनी मेंबर्स, मोर देन 320 मेंबर्स, लेकिन बाद में द एरियाज विच वर डिमार्केटेड एज पाकिस्तान वो मेंबर्स हट गए, एंड विद द रिमेनिंग मेंबर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ। दो इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर, लेकिन उसको लेकर आए, साइन किया ऑन 24 जनवरी, एंड इट केम इन टू इफेक्ट, यानी कि इंडिया अडॉप्टेड अ रिपब्लिक फ्रॉम 26 जनवरी 1950, विच वी स्टिल सेलिब्रेट एज रिपब्लिक डे। नाउ हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट था हाउ टू, तो वन वॉज अ प्लानिंग कमीशन एंड द सेकेंड वन वॉज अ इलेक्शन कमीशन। द लीडर्स एट दैट टाइम हैड अ फार विजन, उनका विजन काफी फार था। वो इसीलिए क्योंकि इफ इलेक्शंस वर कंडक्टेड बाय द सेम पार्टी दैट वुड लीड टू पार्शियलिटी, और इसीलिए एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन वॉज सेटअप, एंड सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ आवर कंट्री। अब हमारे लिए इट वॉज अ मेमोथ टॉप, आपके लिए ये 3 मार्कर, 2 मार्कर या 4 मार्कर में आता है। सबसे बड़ी बात थी कि बाउंड्रीज बनानी थी, क्योंकि उस वक्त हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है इट हैड नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। इफ यू रिमेम्बर जो हमने परसों चैप्टर किया था उसके अंदर हमने किया था 1952, आपका जो है पोटी सीताराम रामुलु जब उन्होंने किया तो पहला आंध्रा बना था, दैट इज ड्यू टू द विशाल आंध्रा मूवमेंट, एंड जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था दैट केम इनटू इफेक्ट इन 1956, एंड उससे पहले वी वर लिविंग अंडर द प्रोविंसेस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो कैसे किया जाए, देयर वर अराउंड 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, हाउ टू, मोर ओवर जो विमेन थे उनके साथ बनाना बड़ा ही मुश्किल था, बिकॉज नोबडी हैड एनी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। आज तो हमारे पास में आधार कार्ड है, वोटर्स आईडी है, मतलब कि, बट उस वक्त में ऐसा कुछ नहीं था। हाउ टू एंटर देयर नेम्स, एंड दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। इनफैक्ट द वर्ल्ड लीडर्स had called it the mockery on democracy, and they said ki it is never possible.
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन किया। हाँ, इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन को थोड़ा सा 50, मतलब कि 50 में होना था, लेकिन इट हैड टू बी डेफर टू अक्टूबर, मतलब कि 51। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई इट वाज डेफर्ड, बिकॉज इट वाज अ मेमोथ टास्क, एन इंडियन एडिटर कॉल्ड इट एज द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, क्योंकि बहुत ही मुश्किल था। और एक इंसान ने लिखा था कि नेहरू हैज टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल। और जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन था, दैट वाज हेल्ड इन 51 टू फरवरी 52, यही पेपर में आता है कि व्हाई इट वाज डेफर्ड, बिकॉज इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एनरोल एवरीवन। स्पेसिफिकली हमारे यहाँ पर जो वेमेन थे, दे वर नॉट हैविंग एनी आइडेंटिटी, दे वर कॉल्ड एज वाइफ ऑफ चिल्ड्रन, तो उनके पास अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। तो टू प्रिपेयर अ टास्क उस वक्त में, एक मतलब कि इलेक्टोरल रोल बनाना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, येट इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस एंड अ लैंडमार्क। एंड इट वॉज, मतलब कि जितने क्रिटिक्स थे उन्होंने जो बात कही थी वो मतलब कि गलत साबित हुई। इस वाले में से सुकुमार सेन वाला, फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था, इलेक्शन कमीशन कब सेटअप हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आज आप देखते हो तो मे बी यू हैव नॉट सीन, अभी हमारा क्या है, दिस इज द सिस्टम, वी गो टू द इलेक्टोरल बूथ, वहां पर यू हैव द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यू हैव टू जस्ट गो एंड आपकी जिस पार्टी की जिस कैंडिडेट को आप कर रहे हो आपको वहां पर दबाना है। लेकिन पहले हमारा जो था ना, ऐसा नहीं था, मतलब देर वॉज अ चेंजिंग इन द बैलेट सिस्टम, देर वर टू चेंजेस। पहले आपको खाली पेपर दे दिया जाता था और आपको जो है जिसका आप मतलब कि लिखना चाहते हो वो आप उसको लिखोगे, ईच वोटर वाज गिवन अ ब्लैंक बैलेट पेपर टू ड्रॉ, मतलब वहां पे डब्बे बने होते थे, फर्स्ट डब्बा ए, दूसरा डब्बा बी, सी। तो आपने, आपका नाम नहीं होगा, वो ब्लैंक पेपर होगा, आपको ए में डाला, आपने ए में डाल दिया, तो जब जिसको ए को सबसे ज्यादा वोट मिला तो ए विल बी सेट टू बी द विनर। फिर बाद में आपके बैलेट पेपर स्टार्ट हुए। नाउ बैलेट पेपर कैसे होते थे आपके, बैलेट पेपर आपके ऐसे होते थे, उसमें से बना हुआ होता था, द नेम ऑफ द कैंडिडेट वुड बी रिटर्न, उसका जो भी मतलब कि मार्क है वो लगा होगा, एंड आपको उसके आगे जो है यू हैव टू पुट द राइट, एंड देन उसको फोल्ड करके आपको बैलेट बॉक्स। बट नाउ वी आर हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जहां पे एवरीथिंग इज प्रिंटेड, यू जस्ट हैव टू गो एंड प्रेस द बटन। सो दिस इज हाउ द बैलेट पेपर वाला जो आपका सिस्टम है वो चेंज हुआ था। इन 2004 द कंट्री हैड शिफ्टेड टू ईवीएम्स। पहले आपका जो है ब्लैंक पेपर होते थे और बॉक्सेस रखी होती थी कैंडिडेट्स के नाम पर, ए बी सी डी ई। तो आपको ए, अगर आप ए को वोट कर रहे हो तो आप ए में डाल दोगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, द बैलेट पेपर कंप्राइज ऑफ द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद पॉलिटिकल पार्टी एंड सिंबल, एंड आपको उसमें डालना पड़ता था। नाउ वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दिस इज अ चेंजिंग बैलेट सिस्टम, 4 मार्कर क्वेश्चन। नाउ एज इट वॉज, जो हमारे फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हैं, हमें आपको याद होगा हमने फोर्थ जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ा था, जो आपकी स्प्लिट हुआ था, दैट इज इन द 67 में जो आया था, आफ्टर विच देर वॉज अ स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी, बट द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस कंप्लीटली कांग्रेस वॉज डोमिनेटेड। वाई वॉज कांग्रेस सो पावरफुल? मोर देन पावरफुल, इट हैड द कैरिज्मेटिक लीडर्स, आपकी बुक में लिखा हुआ है, लाइक जवाहरलाल नेहरू, राजगोपाल आचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये लोग वो सिर्फ पॉपुलर नहीं थे, दे ऑल्सो हैड पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट, दे हैड बीन द एनविसे, मतलब कि इन लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एनविसेज किया था, तो इन पर जो ट्रस्ट था वो बहुत ज्यादा था। मोर ओवर, जवाहरलाल नेहरू वॉज ए कैरिज्मेटिक एंड पॉपुलर लीडर। कांग्रेस वर्कड एट अपर रूट एज वेल एज एज अ ग्रॉस रूट, एंड इट वॉज ऑल्सो ड्यू टू द पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट?
ये आपके इम्पोर्टेंट है। नाउ हमारा जो सिस्टम था, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, वी हैव द FPTP। इन 52 इट स्कोर्ड अ बिग विक्ट्री, 1364 आउट ऑफ 489। एंड दिस इज एंड जो उस वक्त में थोड़ा सा जो मतलब कि इम्पोर्टेंट पार्टी से लाइक कम्युनिस्ट पार्टी वॉज वन विच वॉज फॉर्मड इन 1922 एंड इट वॉज इट स्प्लिट इन 65, तो वो था। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इट वन अ मेजोरिटी इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनके पंजाब, केरला, बंगाल, यहाँ पर हमेशा मेजोरिटी रही है। सो कांग्रेस जो है उसने ट्रेवन कोर, दैट इज केरला वाला एरिया, मद्रास वाला एरिया और उड़ीसा जो है वहां छोड़कर बाकी जगह पे जो है कांग्रेस है। एंड इफ यू लुक इन टू द पास्ट हिस्ट्री ऑफ दीज स्टेट्स, यू विल हार्डली फाइंड एनी ऑफ दीज मेजर पार्टीज रूलिंग इन दीज एरियाज। तो पंडित नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अगेन द सेम, सेकेंड एंड थर्ड में भी वही थे। एंड इट इज नॉट बिकॉज दे हाँ उनका विजन था। अगर आप देखोगे ऑल द IITs, IIMs, आपके जितने भी साइंटिफिक मतलब कि अनाउंसमेंट्स हैं, वो सब उस पीरियड में हुआ था। बट उससे ज्यादा उस वक्त में था कि दे वर रिलेटेड विद द फ्रीडम स्ट्रगल, दे हैड ऑल दोस कैरिज्मेटिक लीडर्स जो साथ में काम करते थे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, जो उनका कैबिनेट था ना, उसके अंदर ऑपोजिशंस की भी उतनी ही वैल्यू होती थी जितनी की अपनी होती। दैट वाज वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट यू नो थिंग, अ ब्रॉड मैनिफेस्टो फॉर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड कंसेंशियस बिल्डिंग रोल ऑफ पार्टी, मिलजुल कर, कंसेंशियस मतलब मिलजुल कर। दैट वाज हाउ दे बिल्ट अप। नेक्स्ट आपका जो है, अगर कांग्रेस को देखते हैं, तो उस वक्त में एज आई सेड इन 62 ओनली कम्युनिस्ट पार्टी ऑन द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स आपका उनके उस मतलब कि उनके अकॉर्डिंग जो है दिस पार्टी वॉज फॉर्म। एंड दिस पार्टी हैज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन केरला, उड़ीसा, बंगाल वगैरह में इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड इट वॉज इन 57 दैट इट केम टू पावर इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी अक्रॉस द वर्ल्ड, इट्स अ वेरी कॉमन पार्टी। अभी भी आपके बहुत सारे जो मतलब कि ईस्टर्न वर्ल्ड, ईस्टर्न आपके जो यूरोप है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी होती। एंड दिस वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑल्सो वेयर नॉन कांग्रेस वॉज देयर। एंड वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, मीन दैट इन दिस स्टेट असेंबली, दैट इज नंबू नंबूदरी पर ही के। एंड बट इन 1959 अंडर आर्टिकल 356 दिस वॉज डिसमिस्ड। एंड मे बी इसमें जो है देर वर सम मतलब कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है इट वॉज मिस यूज। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द वन पार्टी सिस्टम ऑफ रशिया, चाइना एंड इंडिया। आपके उसमें NCERT में ही है ये क्वेश्चन कि उनके और हमारे में क्या फर्क है। वहां पर क्या है, नो अदर पार्टी इज अलाउड टू फॉर्म एंड इफ दे हैव टू कंटेस्ट द इलेक्शन दे हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी। लाइक अगर आप चाइना के बारे में बात करते हो, तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ उनके जो एलाइज है उन्हीं के पार्ट को होना चाहिए। वेयर इज हमारे यहाँ पर वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, वी हैव नेवर अडॉप्टेड अ वन पार्टी सिस्टम। ये जो वन पार्टी उस वक्त में सिस्टम था, उसमें आज हम जितने मल्टी पार्टीज को देखते हैं, दे ऑल हैव द अकोमोडेशन, वेदर दे बिलीव्ड इन कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, दे बिलीव्ड इन एनी अदर आइडियोलॉजी, सबका जो है सब लोगों की बात को सुनी जाती थी और सब साथ में काम करते। देर यूज टू बी द डिफरेंस इन द आइडियोलॉजीज बट दैट डिड नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द पार्टी। दैट इज वाई इट वॉज अ कांग्रेस डोमिनेंस। बट लेटर ऑन आफ्टर द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, वेन देर वर नॉन कंसेंशियस, तो आपकी जो पार्टी थी वो स्प्लिट होने लगी।
इंडिया इज नॉट ओनली द पार्ट कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी, चाइना, क्यूबा, सीरिया यहाँ पर भी है, म्यांमार, बेलारस, इजिप्ट में तो ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर है, बट इन आर कंट्री इट इज ड्यू टू द लेगेसी। एक हमारी जो इफ वी टॉक, दिस पार्टी वॉज द वन विच हैड बीन इन द नेशनल मूवमेंट, एंड बाद में कई पार्टीज बनी भी थी लेकिन दे कुड नॉट। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वॉज ट्रांसफॉर्म इन टू अ रेनबो लाइक, रेनबो मतलब क्या होता है, सात अलग रंग, यानी कि अलग अलग तरीके के लोगों को जो है कांग्रेस के अंदर जगह थी, वेदर दे वर इन टर्म्स ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, इंटरेस्ट। द कोएलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस, मतलब कोएलिशन मतलब मिलजुल कर, दे यूज टू वर्क, दैट वॉज इट्स स्ट्रेंथ। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, इट अकोमोडेटेड द रिवोल्यूशनरीज जो बिल्कुल एग्रेसिव थे, पैसिफिस्ट जो काम होकर काम करते थे, कंजर्वेटिव जो थोड़ा पुराने टाइप में सोचते थे, रेडिकल जो बहुत एग्रेसिव, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, लेफ्ट राइट, मतलब हर एक का देयर वॉज अकोमोडेशन, सबकी बात सुनी जाती थी, एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ इट्स सोशियोलॉजिकल, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल, कि ये जो पार्टी है इट हैड बीन वन ऑफ द मेन पार्टी टिल 1970s, बट जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आए थे तो द पार्टी हैड स्प्लिट इनटू टू एंड लेटर ऑन इनटू मल्टी। कांग्रेस इवॉल्व ऑन 28 दिसंबर 1885 बाय एओह्यूम। एओह्यूम जो है नॉट एन इंडियन, एंड उस वक्त में इट वॉज बेसिकली फॉर द रिच कमर्शियल पीपल, न्यूली एजुकेटेड, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म हुआ था, बट बाद में व्हेन दे एंटर्ड इनटू द नेशनल मूवमेंट इट बिकेम अ पॉलिटिकल पार्टी। पहले इनका जो सिंबल था ये है, आप देख सकते हो, राइट, दिस इज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट व्हाट इज द कांग्रेस कोएलिशन लाइक, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। एंड देयर वर टॉलरेंस ऑल्सो, टॉलरेंस मतलब ऐसा नहीं है एक दूसरे को जो है दे आर अब्यूजिंग, दो पीपल वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स येट दे केम टूगेदर। अगर आप मौलाना अबुल कलाम आजाद को देखते हो तो ही वॉज अ कांग्रेस लीडर, ही वॉज अ मुस्लिम, ही सपोर्टेड, उसी में आपके वल्लभ भाई पटेल थे, उसी में आपके जवाहरलाल नेहरू थे, ही वॉज देयर। सेकेंडली इन कोएलिशन देयर इज ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस एंड एम्बिशंस, सिंस कांग्रेस फॉलोड ऑल द अबव आइडियोलॉजी, इवन व्हेन अ ग्रुप वॉज नॉट हैप्पी इट वुड रिमेन इन साइड द पार्टी, फाइट द अदर ग्रुप रादर देन लीविंग एंड बिकमिंग एन ऑपोजिशन। ये एक खासियत थी, आप सोच सकते हो ना, बहुत सारे ऐसे थे ग्रुप्स, ग्रुप्स विद इन पार्टी विद डाइवर्स आइडियोलॉजीज आर कॉल्ड फैक्शंस। वन मार्कर क्वेश्चन, फैक्शंस किसको कहते हैं, मतलब अब मान लो एक ग्रुप है उसमें कुछ लोग सिर्फ कैपिटलिस्ट को मानते हैं, एक लोग सिर्फ सोशलिस्ट को मानते हैं, एक लोग जो है वो डेमोक्रेटिक को मानते हैं, तो मिलकर वो काम करते थे, बट इनको हम फैक्शन, मतलब इनको हम फैक्शन बोलते थे। सम ऑफ दीज वर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल, बट इनमें कोई पर्सनल एम्बिशंस कभी बहुत कम रहता था। द कोएलिशन टॉलरेटेड इन फैक्ट एनकरेज द फैक्शंस, मतलब उनको एनकरेज करते थे कि लेकर आओ अपनी प्रॉब्लम्स को। सिस्टम ऑफ फैक्शन फंक्शन एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म, मतलब रादर देन फाइटिंग इट वॉज बैलेंस, एंड ड्यू टू दिस आइडियोलॉजी इट एक्टेड बोथ एज द रूलिंग पार्टी एज वेल एज ऑपोजिशन, एंड इसीलिए हम कहते हैं कांग्रेस सिस्टम, अ सिस्टम विच अकोमोडेटेड एवरी वन। बट यस देर वर टाइम वेन पीपल स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट, लाइक सम ऑफ द डाइवर्स ऑपोजिशन पार्टीज हैड कम इन टू एग्जिस्टेंस बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, दे गॉट अ चांस टू रिप्रेजेंट देमसेल्स, दीज पार्टीज मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, दीज ऑफर्ड क्रिटिसिज्म बट अंडर चेक, मतलब
टंग के ऊपर पूरा कंट्रोल. दीज पार्टीज प्रिपेयर द लीडर टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द कंट्री. देर वॉज अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट बिटवीन लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड ऑपोजिशन. आप देखो दैट इन इंटरिम गवर्नमेंट इवन ऑपोजिशन लीडर्स, बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट कांग्रेस लीडर, जयप्रकाश नारायण वॉज नॉट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज, लेकिन फिर भी वो लोग कैबिनेट में थे. सोचो आज की डेट पर सोचकर देखो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. दिस इज सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव ने इसको फॉर्म किया था. इनका था सोशलिज्म, मीन्स द इंडस्ट्री शुड बी इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. इनको जो है कैपिटलिस्ट यानी कि जहां रिच आर हैविंग मोर पावर वो नहीं पसंद था. बट लेटर ऑन इट स्प्लिट इनटू मेनी डिफरेंट पार्टीज, किसान मजदूर प्रजा सोशल संयुक्ता सोशल पार्टी. एंड हमारे बहुत सारे अच्छे लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर, पटवर्धन जी, नरेंद्र देव तो फाउंडर ही है, दे ऑल वर देयर. सीपीआई आपका जाता है रूट बैक टू सोशलिस्ट मूवमेंट इन रशिया. ये तब वहां पर जो है सम ऑफ द लीडर्स हैड गॉन ओवर देयर, दे हैड मेनली वर्क विद आईएनसी, और आज भी ये लोग सपोर्ट जो है एक्सटर्नली आईएनसी को ही देते. बट इनका मानना है कि कम्युनिज्म, एक कम्युनिटी शुड बी गिवन मोर सपोर्ट. इट सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस एंड डिसाइडेड टू सपोर्ट द ब्रिटिश इन देयर वॉर अगेंस्ट नाजी जर्मनी. दे अबेंडन द पाथ ऑफ वायलेंट रेवोल्यूशन एंड देन जनरल इलेक्शन में इन्होंने जो है लिया था. आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला अभी भी यहीं पर आपको मिलेंगे. ए के गोपालन, डांग नंबूरपरि जो कि आपके केरला के चीफ मिनिस्टर थे, जोशी, अजय घोष वगैरह, लेटर ऑन दे हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन मेनी ऑफ द एरियाज, गवर्नर्स भी थे. बाद में ड्यू टू द रिफ्ट इट स्प्लिट इनटू सीपीआई एंड सीपीआईएम, अभी भी दो हैं. भारतीय जनसंघ जो आज आपका भारतीय जनता पार्टी है, इसका रूट जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि कैबिनेट में रह चुके थे ऑफ नेहरू जी की, मतलब. लेकिन इनका जो था कल्चर, वन नेशन वन कल्चर, ये उनका था. दे वांटेड दैट पाकिस्तान एंड इंडिया शुड नॉट बी डिवाइडेड. एंड दे ऑल्सो वॉज इन द फोरफ्रंट टू रिप्लेस इंग्लिश विथ हिंदी. और भारतीय जनता पार्टी जो है इससे निकल के आया. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने मतलब कि अलग अलग चीजों को कॉइन किया था, देवर देव. नेक्स्ट आपका स्वतंत्रता पार्टी, ये तो बाद में खत्म ही हो गया था. इट वॉज ऑन फ्री इकोनॉमी यानी कि देर शुड बी नो इजिली, मतलब कि गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल. आज जैसा हमारा मार्केट है फ्री ट्रेड, गवर्नमेंट शुड अलाउ एवरी वन, वो था. इट क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. उनका मानना था कि दे इंडिया शुड हैव क्लोजर रिलेशन विथ यूएस एंड दे डिड नॉट वॉन्ट एनी सीलिंग और कॉपरेटिव फंक्शन. इट वॉज ओल्ड कांग्रेस में जो सी राजगोपालाचारी थे, जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल भी रह चुके थे, वो मिस्टर रंगा एंड मुंशी वर्दिया. दिस इज द कैबिनेट अपोज टू द प्रोग्रेसिव टैक्स. रिजिम एंड डिमांडेड डिसमेंटलिंग ऑफ लाइसेंसिंग. ये सब बाद में हुआ था जो उन लोगों ने सोचा था. वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उस वक्त में जो सिस्टम था दैट शुड बी देयर. सो दिस इज हाउ वन पार्टी जो है इट डोमिनेटेड. हमारे यहाँ पर जो है वन पार्टी सिस्टम इट डोमिनेटेड. बेसिकली क्या है कि वन पार्टी सिस्टम जो है इट वॉज नॉट वन पार्टी, इट वॉज द डोमिनेंस ऑफ दैट पार्टी विच हैड मोर इफेक्ट ऑन द पीपल. इट वॉज नॉट अ, मतलब कि इट वॉज नॉट वन पार्टी बट इट वॉज अ सिस्टम. ये एक सिस्टम था जिसके अंदर हर एक को इक्वालिटी दी गई थी एंड दैट इज वाई दे ऑल कुड वर्क टूगेदर. तो दैट इज
एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसके अंदर से आपका जो है, जो पहले मैंने आपको बताया कि कौन, मतलब कि जनरल इलेक्शंस कब हुए थे, सुकुमार सेन वाला, ये सारा, देन व्हाई कांग्रेस वाज कॉल्ड एज अ रेनबो लाइक, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है. नाउ आई एम टेकिंग वन मोर चैप्टर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बुक, दैट इज सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड. सिक्योरिटी दैट मीन्स जो बॉर्डर पे हमारे सिपाही हैं, सिक्योरिटी हमारे अंदर, तो इट मीन्स द डेंजरस थ्रेट विच कैन बी डिवास्टेटिंग, डैमेजिंग टू द सोसाइटी एज वेल टू द नेशन. तो हम इसको बांटते हैं दो में, और आपके पेपर में भी क्वेश्चन ऐसे मेनली ऐसे आते हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल मतलब द ओल्ड वन. तो पहले हमारा जो, अगर आप अर्लियर उसको पढ़ते हो, इवन 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, इफ यू स्टडी द नोशन, उस वक्त में मेजर जो आपका ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी था, उसका कंसेप्ट था बाहर से कोई दे, मतलब बाहर का देश वाला जो है, दे शुड नॉट अटैक. द ग्रेटर डेंजर टू अ कंट्री इज फ्रॉम द मिलिट्री थ्रेट, मीन्स अनदर कंट्री विच इज थ्रेटनिंग मिलिट्री एक्शन, जिसकी वजह से हमारी सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, या हमारी टेरिटरी जो है वो खत्म हो जाए. एंड उसके लिए उस जमाने में, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, उस वक्त में दे यूज थ्री बेसिक चॉइस. आपके पास सिर्फ तीन चॉइस होते थे. फर्स्ट, आप सरेंडर कर दो उनको. सेकेंड, टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू अनएक्सेप्टेबल लेवल. आप इतनी लड़ाई करो, इतना कॉस्ट हो जाए कि अपने आप ही वो पीछे हट जाए. या टू डिफेंड इट सेल्फ वेन वॉर एक्चुअली ब्रेक्स, सो एज टू डिनाई द अटैकिंग कंट्री, या फिर जब उन्होंने अटैक कर लिया तो आप सामने आकर सामना करो. मतलब एक, आप सरेंडर करो, दूसरा आप जो हो कॉस्ट ऑफ वॉर को इतना बड़ा चढ़ा के बताओ कि वो वॉर के लिए तैयार ही ना हो, या तीसरा अगर वॉर शुरू हो गया है तो काउंटर पार्ट करो. गवर्नमेंट मे चूज टू सरेंडर व्हेन एक्चुअली कन्फ्रंटेड बाय वॉर, बट दिस विल नॉट एडवर्टाइज. मतलब अगर वो सरेंडर भी करते हैं तो वो इसे एज अ पॉलिसी नहीं कि हम तो भाई जब भी हमारे ऊपर दुश्मन जो है मतलब कि अटैक करेगा हम सरेंडर करेंगे. नो, इट मे बी टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन. सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न विथ प्रिवेंटिंग वॉर, यानी कि डिटरेंस, या अगर वॉर नहीं प्रिवेंट हो रहा है तो अपने डिफेंस में आप वॉर करो. ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज पॉलिसी थर्ड कंपोनेंट इज बैलेंस ऑफ पावर. अब आप हमारी कंट्री के पास देख लो, इंडिया इज वन ऑफ द सुपर पावर, तो हमसे कोई बड़ा होगा, हमसे कोई छोटा होगा, ऐसा हो सकता है. तो द गवर्नमेंट्स आर वेरी सेंसिटिव, बिकॉज बड़े कंट्री से हमें अटैक होने के चांसेस होते हैं, और छोटी कंट्री के साथ में हमें ये हो सकता है कि वो लोग मिलकर अटैक करें. से दे डू वर्क हार्ड टू मेंटेन अ फेवरेबल बैलेंस, एक्सेप्शनली विद दोज हु आर क्लोज बाय, विद हुम दे हैव डिफरेंसेस, या पास में कॉन्फ्लिक्ट रहा है. पड़ोसियों के साथ सबसे ज्यादा रहता है हमारा. अ गुड पार्ट ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर इज टू बिल्ड वंस मिलिट्री पावर, या फिर या तो आप उनके साथ अच्छा सा बना के रखो कि ताकि वो लोग आपको अटैक ना करें, या अपने मिलिट्री पावर को इतना स्ट्रांग बना लो कि दूसरी कंट्री अटैक करने से पहले सोचे, और यू कैन गो फॉर एन अलायंस बिल्डिंग, यानी कि आप बहुत सारे छोटी कंट्रीज को अपने साथ रख लो. लाइक हमारा जो नाटो है, वॉर्सा है, वो यही तो है, ताकि अगर कोई अटैक करे तो मिलके करें. तो पहले ऐसे ही आपके जो है सिक्योरिटीज को दे यूज टू टेक इट अप, एंड दे यूज टू हैव द ट्रेटीज, एंड दे यूज टू फॉर्म द अलायंसेस, सो दैट दे आर एबल टू डिटर एनी वॉर, कोई भी जो वॉर है उसको वो जो है रोक सके.
दिस वॉज द एक्सटर्नल मीन्स वेन पीपल वेन द गवर्नमेंट फियर कि दे वॉन्टेड मतलब कि द अदर कंट्री शुड नॉट अटैक. नाउ वॉट इज इंटरनल, उस वक्त में इंटरनली क्या प्रॉब्लम थी. द रीजन इट इज नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस इज कि पावरफुल कंट्रीज ऑन अर्थ इंटरनल सिक्योरिटी वॉज मोर और लेस एश्योर. उनको लगता था कि इंटरनली तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं बिकॉज दे वर द रूलर्स एंड गवर्नमेंट का हिस्सा था और पहले से ज्यादा जो है दे वर मोर कंसर्न बट दे वर नॉट पेइंग मच अटेंशन. लाइक आफ्टर 45 यूएस एंड सोवियत यूनियन अपीयर टू बी यूनाइटेड एंड कुड एक्सपेक्ट पीस विद इन देयर बॉर्डर्स. मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जैसे आपके वेस्ट में उनको भी कोई अपने पड़ोसियों से कोई मतलब कि ना ही इंटरनली ना ही अपने मतलब कि कहीं किसी कम्युनिटी से कोई खतरा नहीं था. हाँ कुछ को था उन एरियाज में अबाउट वायलेंस इन देयर कॉलोनीज जिन एरियाज को उन्होंने कॉलोनाइज किया था लाइक इंडिया. देवर रेजिंग देयर वॉइस उन जगहों से उनको जरूर देवर हैविंग द प्रॉब्लम्स. बट वंस व्हेन दीज कंट्रीज बिकेम फ्री तो उनका जो है दे डिड नॉट हैव. हमें भी हमारे इंटरनल में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी. द कोल्ड वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सिमेटली 1/3 ऑफ ऑल द वॉर जो बाद में हुई थी. दैट इज बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग टू वन पोल. मोस्ट ऑफ दीज वॉर वर फॉट इन द थर्ड वर्ल्ड. वॉट इज थर्ड वर्ल्ड? द कंट्रीज वेयर इंडिपेंडेंस टुक लेटर ऑन. फर्स्ट वर्ल्ड आपका कैपिटलिस्ट जो यूएस को सपोर्ट करता है, सेकेंड वर्ल्ड आपका सोवियत यूनियन को एंड थर्ड वर्ल्ड आपके जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज वगैरह वहां. बट द सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ एशिया एंड अफ्रीका वर डिफरेंट फ्रॉम यूरोप. हाउ? हमारे लिए मतलब इन एरियाज के लिए द न्यू कंट्रीज फेस द प्रॉस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज. फॉर अनदर दे हैव टू वरी अबाउट इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट लाइक इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान द कूप वॉज देयर. एंड देन बिटवीन 46 एंड 1991 देर वॉज अ 12 फोल्ड राइज इन नंबर ऑफ सिविल वॉर्स लाइक इफ यू टॉक अबाउट श्रीलंका. तो उनके लिए दैट वॉज समथिंग डिफरेंट. तो हाउ डिड दे सिक्योर मतलब उन्होंने कैसे कोऑपरेट किया? हाउ डिड दे डू? बहुत सारी चीजें ली उन्होंने. फर्स्ट लिमिटेशंस मीन्स इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी देर इज अ रिकॉग्निशन कोऑपरेशन लिमिटिंग वॉयलेंस. नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग जो हैं वॉर के लिए नहीं जाते हैं. ओनली दे गो टू वॉर ओनली व्हेन दे वांट टू डिफेंड देमसेल्व्स और इफ दे वांट टू प्रिवेंट जिनोसाइड यानी कि मास किलिंग. दूसरा नाउ मतलब कि दे आल्सो अंडरस्टूड दैट वॉर मस्ट बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ द मीन्स दे आर यूजिंग दैट इज यूज ऑफ मोर वेपन्स. उसको जो है खत्म करने की कोशिश की है. द ट्रेटीज लाइक NTPT CBT इसी को बताता है. एंड दिस आर्मेमेंट रिक्वायर्स ऑल स्टेट्स टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन्स. दो इंडिया डिड नॉट साइन बट इट सपोर्टेड द फैक्ट. तो बेसिकली उनका था यूज थ्रेट ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी. मतलब वो सिर्फ अपने आप को किसी भी तरीके के अटैक से बचाना चाहिए. बट नाउ ट्रेडिशनल नहीं, वी आर लिविंग इन अ नॉन ट्रेडिशनल. हमें वॉर से ज्यादा देर आर सो मेनी अदर एरियाज जिन पर ध्यान करना पड़ता है. टुडे ग्लोबल कोऑपरेशन इज नॉट ओनली ऑन द मिलिट्री. मिलिट्री इज देयर, अभी भी कुछ जगहों पर वॉर इज गोइंग ऑन बट मोर और लेस इट इज मोर अबाउट द ह्यूमन सिक्योरिटी मीन्स मोर अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल देन स्टेट. अपने यहाँ पर जो अंदर हैं उनको टेररिज्म उनको मतलब कि डिजीजेस इनसे सिक्योर करना ज्यादा जरूरी हो जाता है. नाउ इट इज मोर लाइक इफ यू वॉन्ट टू सिक्योर योर कंट्री इट इज नॉट ओनली मिलिट्री बट ऑल्सो फ्रॉम द इंटरनल एंड अदर नॉन आउटर वन.
इट मींस प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम फॉरेन अटैक मे बी नेसेसरी कंडीशन, वो एक जरूरी है, लेकिन नाउ इट इज मोर लाइक हेल्थ एपिडेमिक्स, कोविड, एड्स, बर्ड फ्लू, ग्लोबल वार्मिंग, और इसके लिए नो कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल एंड नो कंट्री कैन अलोन टेक. सो दीज आर ग्लोबल एंड इट रिक्वायर्स अ ग्लोबल कोऑपरेशन ऑल्सो. इसके अलावा ये तो हमारे अब नॉन ट्रेडिशनल नोशंस हैं, अब तो हमारे पास और भी है, लाइक टेररिज्म. टेररिज्म इज नाउ, पहले था टेररिज्म रिलेटेड टू वन और टू स्टेट्स, कुछ कंट्रीज को आपका टेरर स्टेट बोला जाता था, बट नाउ इट इज वेरी कॉमन. देर आर टेररिज्म क्या होता है? पॉलिटिकली बदला लेने के लिए सिविलियन से बदला लेना. एंड इन द इंटरनेशनल इट माइट इन्वॉल्व द सिटीजन एंड टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री. दे मे यूज, दे मे ट्रेन, विच इज वेरी कॉमन. देन ग्लोबल पोवर्टी, क्योंकि अगर पोवर रहोगे तो हो सकता है कि आप दूसरों पर जाकर धावा बोल दो. करेंटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स इन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया. एंड ये कहा जाता है कि ऐसी कंट्रीज जो हैं दे मे सी द पॉपुलेशन राइज एंड रिच कंट्रीज मे सी श्रिंक इन पॉपुलेशन. तो जो कंट्रीज में हायर पॉपुलेशन और लेसर ग्रोथ है दे वुड गो टू द पुअर, और जो दूसरा है वो तो अब जो है ग्लोबल पॉवर्टी पर भी जो है देखना पड़ेगा. देन हेल्थ एपिडेमिक्स, नाउ इट हैज बिकम कॉमन. कोविड इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, अदर देन HIV और SARS, बर्ड फ्लू, और अभी तो बहुत सारे हैं, निपा वायरस, इबोला वायरस. पहले तो ये होते थे ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगी होते थे, लेकिन अब जो है ऐसे बीमारियां हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करती हैं एंड इट इफेक्ट्स पीपल इन लार्ज. सो नाउ व्हाट वी नीड इज अ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, मोर मिलिट्री से ज्यादा कोऑपरेशन. इट माइट बी बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, लाइक सभी कंट्रीज में, सभी रीजन में रीजनल कोऑपरेशन बन चुका है. यूरोप के अंदर EU है, इधर आपका मतलब कि साउथ एशिया में आपका आसियान है, तो दे हैव मेड इट सो दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फोर्स दे आर कलेक्टिवली वर्किंग फॉर देयर ओन एरियाज. कोशिश यही है. नाउ व्हाट इज इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी? इंडिया में ट्रेडिशनल भी रहा है, 1947 से रहा है, मिलिट्री भी रहा है, नॉन मिलिट्री भी रहा है. एंड व्हाट वी हैव डन इज हमने अपनी मिलिट्री की कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन किया है. हमने जो, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं हमारा उनके साथ में रहा है, पाकिस्तान के साथ 3 वॉर, 47, 65, 71, 1999 जो पुलवामा, देन चाइना के साथ रहा है. तो वी हैव ट्राइड टू स्ट्रेंथन अवर मिलिट्री. देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ हमने अपना जो है वी हैव मेड इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड उसको फॉलो करके. एंड थर्ड इज मीटिंग द सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री. इंडिया हैज नेवर फेस एनी कूप लाइक बांग्लादेश, म्यांमार और आपका जो पाकिस्तान है. एंड देन अनदर वे विच वी हैव डन इज हमने अपनी इकोनॉमी को ऐसे स्ट्रेंथन किया है कि वी आर एबल टू लिफ्ट आउट द पोवर्टी, मिजरी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सो दैट पीपल डू नॉट रिजॉर्ट टू अदर क्रिमिनल एक्टिविटी. तो इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजी को, यस मिलिट्री वाइज हमने अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट बना चुके हैं हम अपने आप को, बट इन अदर फील्ड्स होते ना, अभी जो करंट हमारा चल रहा है 2024, उसमें वी हैव स्ट्रेंथन नॉट ओनली दैट कि हमने ये चीजें की है, वी हैव ऑल्सो साइन द ट्रेड बायलैटरल अग्रीमेंट विथ मेनी ऑफ द कंट्रीज. वी आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स. वी हैव बीन एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन ऑल द समिट्स विच हैव टेकन एट द इंटरनेशनल लेवल. इंडिया का इंटरनेशनल से बहुत ही अच्छा है. हमारे जो मतलब कि जो रिलेशंस हैं विद साउथ एशिया वो एकदम अलग है, देन विद यूरोप इट इज डिफरेंट, विद US इट इज विद डिफरेंट,
एंड वी हैव बीन कोऑपरेटिंग. और इस कोऑपरेशन की वजह से क्या होता है कि वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. सो देयर इज लेसर चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ मिलिट्री इंसर्जेंस और एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. यस, इंडिया ऑल्सो विटनेस टेररिज्म. जो पंजाब वाला था उसमें काफी हमने देखा, कश्मीर वाले में देखा था, बट इट केम अप विथ एवरीथिंग. तो दैट इज आपका सिक्योरिटीज इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड. विद दिस वी हैव रिवाइज्ड टू टू चैप्टर्स, वन फ्रॉम द सेकेंड बुक, दैट इज आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस एंड सिक्योरिटीज.